नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डे के न्यूज चैनल सच का साथ। इस वक्त की खबर भोपाल मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर कोरोना संक्रमण के दहशत में लॉकडाउन के सन्नाटे में आपको पता चले कि चोरी करना वाला गिरोह गिरफ्तार हो चुका है। राजगढ़ जिले के कुरावर पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पीलूखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में संचालित वायर बनाने की फैक्ट्री लैप इंडिया पार्क प्राइवेट लिमिटेड के गार्ड इंचार्ज मुकेश परमार ने थाने में सूचना दी कि लॉकडाउन के कारण फैक्ट्री बंद थी। कैमरे चेक करने पर पता चला कि तीन लड़के पेड़ की मदद से 12 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल फांदकर फैक्ट्री में घुसे और खिड़की तोड़कर 5 बंडल तार चोरी कर ले गए। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये हमारे पीलूखेड़ी में संचालित है। यहाँ गार्ड इंचार्ज हैं मिस्टर मुकेश परमार, ये थाना आए थे और इन्होंने बताया था कि सर खिड़की कोई तोड़ के वायर 3-5 बंडल सॉरी लगभग चोरी कर लिए हैं और इन्होंने कैमरे में देखा था तो तीन लोग दिख रहे थे और चूंकि वहाँ गार्ड 5 गार्ड ऑन ड्यूटी था तो शायद वो गार्ड आ जा रहे थे तो ये बड़ी चोरी नहीं हो पाई और ये भाग गए थे। और फिर हम लोगों उसको जैसा उनका सूचना था सूचना पर अपराध क्रमांक 78/20 धारा 457-380 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और चूंकि फैक्ट्री में चोरी हुई थी हम लोग लगातार इस समय बहुत व्यस्त भी हैं। हमारे यहाँ बॉर्डर का चेकिंग पॉइंट भी लगा है तो उन सब में और कोरोना का संक्रमण देखते हुए कई जगह ड्यूटी लगी थी, हम लोग इसको पकड़ने में सतत लगे हुए थे। मुखबिर से ऐसा हम लोगों को सूचना मिला कि गीलाखेड़ी में तीन लोग हैं जिसमें एक शाहरुख पिता रईस खां, दूसरा आरिफ उर्फ किड्डा पिता सलीम बेंडा, तीसरा है माखन पिता श्यामलाल, ये सभी गीलाखेड़ी के हैं। ये एक बोरे में ये वायर रखे हुए हैं और ये बेचने के फिराक में हैं। जैसे ही सूचना मिली हम लोगों ने एक टीम बनाया और टीम को लीड हमारे ASI हैं मिस्टर बलवीर सिंह लांबा, इन्होंने लीड किया और हवलदार हैं अमृत लाल, इनके साथ अनिल परमार हमारे आरक्षक हैं, राम सिंह आरक्षक हैं, प्रताप सिंह आरक्षक हैं, भोपाल वर्मा आरक्षक हैं। ये लोग गए और इनको पकड़ने में हमें सफलता मिली और ये जो चोरी गया माल था ये वायर जिसमें लैप इंडिया का ट्रेडमार्क लगा हुआ है, ये वायर को जो चोरी गया मसरूका था इसको जब्त किया गया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में हमें सफलता मिली। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को